अक्सर हम देखते हैं कि गुस्से की वजह से हमारा बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है और गुस्सा आना किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। कई बार गुस्से में हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें आगे चलकर होता है। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो किसी भी मायने में कभी भी सही नहीं हो सकती है। जिस पर भी आप गुस्सा कर रहे हैं उसे तो आपका गुस्सा सहना ही होगा, लेकिन उससे काफी ज्यादा नुकसान तो आपको खुद को देखना पड़ता है। ज्यादा गुस्सा करने से कई सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी आपके करीब आ सकती हैं। बार बार गुस्सा आना या चिड़चिड़े स्वभाव के पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण हमारे ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल ही होती है, जिसके कारण मनुष्य एक क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। लेकिन एक पल का गुस्सा आपके काम और रिश्तों को कितना खराब कर सकता है, इसका आपको एहसास तब होता है जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन इस बात का एहसास आपको तब होता है जब आपका गुस्सा शांत हो चुका होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप गुस्से में अपनी सबसे प्यारी चीज खो देते हैं, जिसका एहसास आपको बाद में ही होता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका उपयोग करके आप अपने गुस्से पर पल भर में काबू पा सकते हैं। बता दें, वास्तु कहता है कि अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो आप अपने घर में लाल रंग का इस्तेमाल कम से कम करें। ये आपके गुस्से को बढ़ाने का काम करता है, जैसे कि घर की बेडशीट, कुशन, कवर्स और पर्दा लाल रंग में इस्तेमाल ना ही करें। वास्तु ये भी कहता है कि गंदगी से ही गुस्सा ज्यादा आता है, ऐसे में घर के हर कोने की साफ सफाई अच्छे से करें। इससे आप धीरे धीरे अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे। वास्तु के अनुसार अगर घर के किसी भी सदस्य को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है तो पूर्व दिशा में हर रोज एक दीपक जलाया जाए, इससे गुस्से से राहत मिलेगी। गुस्से पर काबू पाने के लिए प्रतिदिन सूर्य को जल भी चढ़ाएं, इससे आप अपने गुस्से पर काबू पा लेंगे। लगातार सूर्य देव को जल देने से गुस्से के साथ साथ आपकी सारी तमाम तरह की दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।